Assalamu alaikum all of you. How are you all? Is everything all right? How's your classes going on? Acha, we have got other students as well, beta. Lekin we have got only yahan se 5 students. And what's the reason behind that? How many students do we have in matric class? आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कॉपी पेस्ट कर लिया करें यार, सर डायरेक्ट लिंक से हो जाता है। हाँ लिंक खोल लिया करें आप लोग। ये वैसे व्हाट्सएप अपना लॉग इन करते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर पर? हाँ ये आप लोग इसको व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर भी चला सकते हो। वेल 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 लेट मी सी अगर कोई ग्रुप में मैसेज है। ओके ओके सो चलें जनाब क्लास का आगाज करते हैं। यू रिमेम्बर हमने लास्ट टाइम कहाँ छोड़ा था? पास्ट टेंस पर छोड़ा था, है ना? तो लास्ट टाइम हमने पास्ट टेंस पर छोड़ा था। हमने वो पूरा कर लिया था अपना, द इनहेरिटर्स पूरा कर लिया था और कुछ पास्ट से स्ट्रक्चर देखे थे। दिस वाज द थिंग। ऐसे ही है, बताइएगा मुझे। पास्ट टेंस समझाया था मैंने आपको? ओके वेरी वेल। अच्छा कोई काम भी दिया था आपको? हैव यू डन दैट? एक छोटा सा पास्ट इवेंट लिखना था। तीन क्वेश्चन आए थे पास्ट इवेंट लिखना था एक छोटा सा। हैव यू रिटन डाउन? वो नहीं था। चलें जनाब आज मैं एक पोएट्री आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज हम एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं और जो है वो उस पोएम में क्या चीज है, क्या है, क्या सेंस है, सारी चीजें हम देखेंगे बहुत डिटेल्ड सेंस में, ठीक है? तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करें और हम उस पर बात करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सेंस है, ठीक है? अच्छा हैव यू एवर बीन टू अ, कभी आपने कहीं दूर सफर किया है, यानी आउट ऑफ सिटी? हैव यू ट्रेवल्ड समवेयर? कहीं कुछ ट्रेवल किया है आपने आउट ऑफ सिटी? अच्छा कैन यू प्लीज टेल मी वेयर डिड यू गो, कहां गए थे आप? कराची से बाहर कहां गए थे? लाहौर। हाउ डिड यू गो देयर? बताए कुछ, बताए कैसे गए थे? बस ट्रेन से। ओके वेरी वेल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो बहुत कुछ जो है वो ट्रेन से रिलेटेड है। अच्छा फ्रॉम बस सवाद पेशावर एवरीवेयर। ओके वेरी वेल। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना वी विल लर्न समथिंग अबाउट ट्रेन रेलवे। आज हमारे पास जो पोएट्री है वो यही है कि फ्रॉम अ रेलवे कैरिज। तो आज हम देखेंगे कि हम जो है वो
ट्रेन से जब ट्रेवल करते हैं तो किस तरह का एक एटमॉस्फेयर होता है, क्या चीजें हम इंजॉय करते हैं, क्या चीज लर्न करते हैं, क्या चीजें देखते हैं रास्ते में, वो तमाम चीजें आज की क्लास का हमारा पार्ट रहेंगे। तो वी विल ट्राई टू लर्न इन डीप सेंस, ठीक है। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विद यू। अच्छा, अब आप लोग कमेंट्स कीजिएगा मुझे, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो जनाब, लेट्स सी, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विद यू। डिड यू गेट माई स्क्रीन? चलें जनाब, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फ्रॉम अ रेलवे कैरिज, यानी एक सफर है किसका, रेलवे का। रेल के जरिए से एक सफर है, और उस रेल के जरिए से सफर में पोएट ने क्या क्या चीजें इंजॉय की और वो क्या क्या चीजें देख रहा है, उसके हवाले से हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और वी विल लर्न अ लॉट अबाउट कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा और हमारे लिए इसमें क्या लर्निंग है। फ्रॉम अ रेलवे कैरिज, आज जो पोइट्री का नाम है वो क्या है, फ्रॉम अ रेलवे कैरिज। दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। लिखने वाला कौन है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, ठीक है। उसकी जो एज है, डेथ और बर्थ एज, बर्थ ईयर, वो क्या है, ही वॉज बॉर्न इन 1850 और डाइड इन 1894, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ही इज अ स्कॉटिश पोएट, उसने स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड में स्कॉटिश जबान बोली जाती है। स्कॉटलैंड जो है वो आपका ग्रेट ब्रिटेन का एक आइलैंड है, वहां का ये रिहायशी था। स्कॉटिश ना सिर्फ नॉवलिस्ट था, यानी बहुत बड़े बहुत मशहूर नॉवेल्स लिखे, उन मशहूर नॉवेल्स में एक नॉवेल है ट्रेजर आइलैंड और किडनैप और डॉक्टर जैकेट एंड मिस्टर हाइड। अच्छा, इसकी ना आपको यूट्यूब पर वीडियो भी मिल जाएगी। इस डॉक्टर जैकेट एंड मिस्टर हाइड पर एक मूवी भी बनी हुई है, जो इसके लिखे हुए नॉवेल को पिक्चराइज किया गया। जैसे हमारे पास हैरी पॉटर है ना, पहले नॉवेल लिखा गया था और उसके बाद उसकी मूवी बनाई गई थी। इन द सेम सेंस यहाँ डॉक्टर जैकेट एंड मिस्टर हाइट एक डॉक्टर और एक पेशेंट की कहानी है। जो डॉक्टर तजुर्बात करता है वो उस पेशेंट पर तजुर्बात करता है और वो खुद ही होता है वो पेशेंट भी। तो इस तरह की एक कहानी है। तो यू विल फाइंड आउट कि इसकी आपको वीडियो भी मिल जाएगी, एक मूवी बनी हुई है इसकी, डॉक्टर जैकेट एंड मिस्टर हाइट, इसी नाम से बनी हुई। तो ये कुछ बहुत मशहूर नॉवेल्स हैं किसके, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। अदर देन दैट ही वॉज अ पोएट, वो एक पोएट भी था और एक एसेस भी था, एक मजमून निगार भी था। He was born in Edinburgh, Edinburgh में पैदा हुआ। उसकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो बड़ी डिस्टर्ब रही। फॉर्मल एजुकेशन जैसे हम लोग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वेट फॉर अ वाइल, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था किसी वजह से ना, मेरा कल इंटरनेट चला गया था मेरा। बहरहाल, आई एम बैक, वेट फॉर अ वाइल, आई एम जस्ट सेटिंग इट आउट। तो हमने कहाँ छोड़ा था, जरा बताएंगे मुझे, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को।
अलाउ पार्ट, हाँ आप लोग बताएं कहाँ तक, आपसे कहाँ तक शेयरिंग होती रही मेरी, जरा बताएंगे कौन सी लाइन पे डिस्कनेक्ट हुए हम? अनम्यूट करें अपने आपको। यस अब्दुल्ला, मूवी वाले यहाँ पे वो डॉक्टर कहाँ तक पढ़ लिया था? डॉक्टर तक के पढ़ लिया था। अच्छा ओके, डॉक्टर जैकेट एंड मिस्टर हाइट जो मैं आपको नॉवेल के बारे में बता रहा था वहां तक हमने स्टडी कर लिया था। चलिए आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन और फिर देखते हैं कि आगे क्या है ना उसके, और उसके बाद आई विल लेट यू वॉच अ वीडियो क्लिप एज वेल, तो मैं आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा। तो हम क्या बात कर रहे थे, इसकी कुछ मशहूर नॉवेलिस्ट, ना सिर्फ ये एक नॉवेलिस्ट था बल्कि एक पोएट और एक एसेइस्ट भी था। इसकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी, His formal education was greatly interrupted by illness. वो बहुत ज्यादा बीमार रहता था और जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा छुट्टियां करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उसकी जो formal education थी वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई थी। He tried to study engineering. उसने engineering पढ़ने की कोशिश की, उसके बाद फिर law पढ़ने की कोशिश की, लेकिन finally, but in 1873 he decided to embark upon a literary career. usne 1873 mein faisla kiya, yani apni paidaish ke 23ve saal mein usne faisla kiya ki wo literary career banayega, yani adab ko apna profession banayega. to usne novels likhna shuru kar diye, usne poetry likhna shuru kar diye aur usne aise likhna shuru kar diye, aur he used to become very famous in his age. और अपनी एज में वो बहुत ज्यादा क्या हुआ, फेमस हो गया, अपनी अपनी उस दौर में बड़ा फेमस हो गया। ठीक है, अब लेट्स सी, खास तौर पर ही शोज हाउ एवरी इंडिविजुअल हैज टेंडेंसीज टू डू बोथ गुड एंड इविल। इस जैसे अल्लाह ताला ने हम सब में कुछ सलाहियतें रखी, यू नो व्हाट, हर एक की अपनी कुछ कैपेबिलिटीज हैं, हर एक में कुछ ना कुछ खास होता है। इन द सेम सेंस उसने भी क्या किया, वो उसके अंदर जो खास बात थी वो ये थी कि ही कुड बी अ ग्रेट राइटर, तो वो बन गया फाइनली। उसे बच्चों से बहुत प्यार था, ही रियली लव्ड चिल्ड्रन एंड अंडरस्टूड देम, उन्हें वो उनके जज्बात और एहसासात को समझता था, इसी वजह से उसने बच्चों के लिए ये पोएट्री लिखी जिसका नाम क्या है, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। इस पोएट्री का नाम क्या है, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। लेट्स सी, मैं आपको एक छोटी सी पोइट्री सुनवा रहा हूं और यू विल लेट टू, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक है, पहले हम इस वीडियो को वॉच करते हैं फ्रॉम अ रेलवे कैरेज और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है इस पोइट्री को अच्छे से समझेंगे और फिर हम इसकी तमाम डिफिकल्ट वर्ड्स और ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे। इट्स अ 2 मिनट्स पोइट्री, एक 2 मिनट की एक छोटी सी पोएट्री है। आई वॉन्ट यू टू लिसन टू इट एंड एंजॉय इट, और मैं इसको शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और आपने इसको लिसन करना है, वॉच करना है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन कमेंट मी, यू कैन टेक्स्ट, यू कैन राइट इन द टेक्स्ट बॉक्स, तो मैं आपको इसको दिखा दूंगा। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू प्ले अ स्क्रीन विद यू, listen to this video first and watch it. चलें जनाब। अच्छा, इसमें ना जो difficult words है ना poetry के, वो आपको यहाँ शो होंगे, तो खास तौर पर आप देखिएगा कि कौन कौन से words हैं वो, और वो शो भी हो रहे होंगे। अब देखें, faster than Paris, यहाँ जो ये Paris आया, Paris किसको कहते हैं, परियों को कहते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पहले देखें, ये देखें परियां शो की गई हैं यहाँ। faster than witches, witches जादूगरनियों को बोलते हैं। तो इसकी वीडियो अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि जो मुश्किल वर्ड्स इसमें आ रहे हैं उसकी इमेज शॉर्ट्स भी यहाँ दी गई है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यू विल गेट टू नो कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, फास्टर देन पेरिस, फास्टर देन विचेस, फास्टर देन द शिप्स, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड द ट्रीज एंड ड्रॉपिंग ऑल आर्च,
charging along like troops in a battle. Did you get it? एक छोटी सी poetry मैंने आपसे share की. Wait for a while. You were writing something. Sir, इसमें तो Harry Potter आ गया. अर्तुगरुल. तुम लोग भी देख रहे हो अर्तुगरुल का घोड़ा. अर्तुगरुल के कितने session देख लिए बेटे? वैसे अर्तुगरुल देख तो रहे हो, कुछ सीख भी रहे हो कि हमें आज किस चीज की जरूरत है, है ना? ओहो, कार्लोस तक देख लिया, 3 seasons तक देख लिए. वाओ, ग्रेट. तुम लोग तो दिन रात सिर्फ यही देख रहे हो, वॉचिंग फॉर season 2 ऑफ कार्लोस. अच्छा, बहरहाल मैंने भी कुछ सीजन देख लिए. मैंने 4th season शुरू किया और रियली अ नाइस ड्रामा, बहुत जबरदस्त ड्रामा है. और ये मुसलमानों की तारीख है पूरी की पूरी, यानी मुसलमान ऐसे तलवार के साए में जो है वो अल्लाह के रास्ते में निकला करते थे. बहरहाल, So, we will talk about, हम इसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह. और इससे हमें एक नई सोच और नई जहत मिलती है कि मुसलमानों के साथ कैसे कैसे जो है वो वाकयात होते रहे और उन्हें कैसे कैसे नुकसान पहुंचाया जाता रहे. बहरहाल, कम टू द पॉइंट. अब मैं आपको ये जो है वो पिक्चर शेयर कर रहा हूँ और हम पढ़ते हैं इसको और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या बात बताई जा रही है और इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग जनरेट की जा रही है. Faster than fairies, faster than witches. Fairies किसको कहते हैं? Fairies कहते हैं परियों को. ठीक है, किसको कहते हैं? परियों को. Faster than fairies. Fairies, परियां. Faster than witches, जादूगरनियों से भी ज्यादा तेज और परियों से भी ज्यादा तेज. किस चीज को कहा जा रहा है? क्या चीज ज्यादा तेज है भाई? रेलवे ट्रेन. वेरी गुड. रेलवे ट्रेन, रेलवे. ओके. ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस. ब्रिजेस, अब रास्ते में क्या आते हैं? आपने देखा होगा अगर आप कराची से लाहौर जाओ तो बीच में दरियाए सिंध भी पड़ता है जिसमें से ट्रेन गुजरती है. ब्रिजेस, और ट्रेन के किनारों पर हाउसेस बने हुए होते हैं. अगर कराची से आप निकले तो आप देखेंगे कराची में तो पूरे ट्रेन के साथ साथ घर बने हुए हैं, है ना? ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस. हेजेस क्या होते हैं? आपने अगर देखा हो कुछ घरों के आगे, कुछ जो बड़े बैंगलोर्स वगैरह होते हैं, जो पैलेसेस वगैरह होते हैं, उन पैलेसेस और घरों के आगे दरख्तों को एक खास तरह से काट कर उनकी दीवार बनाई जाती है, है ना? उनको कहते हैं हेजेस. मैं आपको दिखाता हूं, लेट मी शो यू हेजेस. ठीक है, मैं आई विल लेट यू शो कि हेजेस क्या होते हैं. गिव मी अ मिनट. तो उस तरह की जो दीवार बनाई जाती है, जो किसको जो है वो दरख्तों को काट काट कर जो बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? हेजेस कहते हैं. सी दिस, मैं आपको शो कर रहा हूं और यू विल गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग. एक जो है आप जब विजुअल आपको बहुत हेल्प करती है. ये देख रहे हैं, ये हैजेस हैं. ये देख रहे हैं, ये दरख्तों को काट कर हैजेस बनाए जाते हैं. इस तरह रेलिंग बना, फेंस बनाई जाती है जो घरों के आगे होती है, आपने अक्सर देखा होगा इस तरह की. ये कहलाती है हैजेस. ये देख रहे हैं, ये हैजेस कहलाती है.
तो ये रास्ते में कई जगहों पर आपको ये मंजर भी देखने में आता है और आप ये जो है ये चीज भी देख रहे हो। हाँ भूल भुलैया, लेकिन ये हैजेस है, ठीक है, इसको हैजेस कहते हैं और भूल भुलैयों को मेजेस कहते हैं, मेजेस, ठीक है, मेजेस कहते हैं भूल भुलैयों को। तो ये है हैजेस, तो इससे क्या होता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, यस लांडी वाला पुल भी आता है, चुका चुका, हाँ बिल्कुल, कैंड स्टेशन बहरहाल, तो इसके जरिए से आप क्या कर, ये रास्ते में आपको नजर आती है। अच्छा डिचेस आपने देखा होगा, नदी और नाले भी बह रहे होते हैं रास्ते में, नदी और नाले भी पड़ते हैं, नाले जिनमें पानी बह रहा होता है वो नाले भी आपको नजर आते होंगे। जब कभी भी आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो तो आपको डिचेस भी नजर आते होंगे, तो डिचेस की पिक्चर्स भी मैं आपको दिखा रहा हूं, लेट्स लुक एट दिस, ये कहलाते हैं डिचेस। सी दिस, दिस इज डिचेस, ये देख रहे हैं, इस तरह नदी और नाले जो बने होते हैं जिनमें से पानी ट्रेवल कर रहा होता है, ये इस तरह जिसको हम जो है वो नाला या पर नाला जिसको कहते हैं, ये डिचेस। तो अक्सर और बेशतर जब आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो खेतों के दरमियान आपको इस तरह पानी ट्रेवल करता हुआ नजर आता है, समझ रहे हैं, ये कहलाते हैं डिचेस। क्या कहलाते हैं, ये डिचेस कहलाते हैं। क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया। हाँ आजकल तो खुदाइयां ही हो रही है पाकिस्तान कराची में, ज्यादातर एरिया के रोड वगैरह इन्होंने क्या कर दिया, खराब कर दिए खोद खोद के। बहरहाल यहां तक क्लियर हो गया सब, चलें अब वापस पोइट्री की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बताया जा रहा है, ठीक है। Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows and the horses and cattle. क्या बोला जा रहा है इस स्टैंजा में, देखें इस स्टैंजा में कितनी लाइन्स हैं, there are four lines in this stanza, इस स्टैंजा में four lines हैं, there are four lines in this stanza, और four lines हैं और इसके बाद gap है, तो ये क्या है कि stanza है, stanza, first stanza, अब first stanza जो है इसमें अगर आप देखें तो इसमें ट्रेन को क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, परियों से ज्यादा तेज है, जादूगरनियों से ज्यादा तेज है, रास्ते में क्या पढ़ते हैं, ब्रिजेस एंड हाउसेस को क्रॉस कर रही होती है, हैजेस और डिजेस को क्रॉस कर रही होती है, एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, बैटल कहते हैं मैदान जंग को, किसको कहते हैं, मैदान जंग को बैटल फील्ड कहते हैं, बैटल कहते हैं, ट्रूप्स कहते हैं सोल्जर्स को, सिपाहियों को और कमांडर्स को जो मैदान जंग में लड़ रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं अपने दुश्मन की तरफ बहुत तेजी के साथ, क्या कर रहे होते हैं, हमला कर रहे होते हैं बहादुरी के साथ, एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, तो यहाँ यही बात की जा रही है कि वो बहुत तेजी के साथ अपने मैदान जंग में भरपूर किस्म का क्या कर रहे होते हैं, हमला कर रहे होते हैं। और तो इसी तरह ट्रेन का कंपैरिजन किया गया, अब देखिए यहाँ ना कंपैरिजन है, यही यहाँ मैदान जंग की क्या बात आ गई भाई, तो ये देखिएगा ये जो है ना यहाँ एक कंपैरिजन है किसके साथ, इस लाइट के साथ, यानी बताया ये जा रहा है जैसे सिपाही मैदान जंग में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह ट्रेन भी बहुत तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ क्या कर रही होती है, बढ़ रही होती है, एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, मैदान जंग में जैसे सिपाही अपने दुश्मन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इन द सेम सेंस ट्रेन जो है वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन होती है, बहुत तेजी के साथ ट्रैवल कर रही है, ऑल थ्रू द मैडोज, और वो इस दौरान क्या करती है, बहुत सी खूबसूरत हरी भरी चरागाहों से गुजरती है, मैडोज, मैडोज कहते हैं हरी भरी जो चरागाहें होती हैं जहां जानवर चरते हैं उनको मैडोज कहते हैं, और उन चरागाहों में, यहाँ पाकिस्तान में तो आपको हॉर्सेस नजर नहीं आएंगे लेकिन फॉरेन कंट्रीज में हॉर्सेस भी आजाद होते हैं, वो बाकायदा उस चरागाहों में घूम फिर रहे होते हैं, अच्छी नस्ल के घोड़े जो हैं वो उन जंगलात में मौजूद होते हैं, और कैटल किसको कहते हैं, कैटल जो हमारे पास जो मवेशी होते हैं पालने वाले डोमेस्टिक एनिमल्स, मिसाल के तौर पर
जो जैसे काव है, बफेलो है और कैमल है, ये सब क्या कहलाते हैं? डोमेस्टिक एनिमल, कैटल कहलाते हैं, ठीक है। शीप हो गया, गोट है ना, कैमल और बफेलो, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? कैटल कहलाते हैं, मवेशी कहलाते हैं, ठीक है। तो दिस इज, अब एक और चीज जो इसमें समझने वाली है वो ये है, जरा आप गौर करें, लुक एट दिस, मैं कुछ कुछ वर्ड्स अंडरलाइन कर रहा हूं, ये देखिएगा, विचेस और डिचेस, है ना, विचेस और डिचेस, बिल्कुल इसी तरह बैटल और कैटल। कोई मुझे बताएगा ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं? व्हाट आर दीज वर्ड्स कॉल्ड? इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? व्हाट आर दीज वर्ड्स कॉल्ड? इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है? व्हाट आर दीज वर्ड्स कॉल्ड? यस प्लीज कमेंट कमेंट बोले, अपने आप को अनम्यूट करके बताएं मुझे इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, पता है किसी को? राइमिंग वर्ड्स, एब्सोल्युटली अब्दुल्ला शाह, यू आर राइट, दे आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स, ठीक है, ये राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। और अगर आप देखें तो इन राइमिंग वर्ड्स में आपको एक सेंस नजर आ रहा होगा, वो सेंस क्या है कि बिचेस और डिचेस ये सेम वर्ड है। अगर लेट्स से मैंने इसको ए कहा, क्या कहा? ए, ठीक है, ये और ये ए हो गए, क्योंकि इनकी राइमिंग सेम है, राइमिंग वर्ड है। विचेस और डिचेस, चिस का साउंड आ रहा है दोनों में। इसी तरह अगर मैं बात करूं किसकी, नीचे वाले वर्ड्स की बात करूं, तो नीचे वाले वर्ड्स जो हैं वो भी बैटल और कैटल सेम राइमिंग है, इसको मैंने नाम दे दिया लेट्स से बी, ठीक है, बी और बी, क्लियर हुआ। तो अभी अगर आप देखो तो यहाँ क्या स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, इसका स्ट्रक्चर कुछ बन रहा है, वो बन रहा है ए ए बी बी, ये स्ट्रक्चर बन रहा है ना। अब अगर आप बाकी बाकी उसका देखो, किसका बाकी राइमिंग्स को भी देखो, तो आपको लगेगा कि ये तो वाकई सेम है। ये देखो, प्लेन और रेन, आई और बाय, ये देखो प्लेन और रेन, आई और बाय, इनका भी राइमिंग सेम है, ए ए और बी बी, है ना, इनका भी राइमिंग क्या है? सेम है। इसी तरह अगर इसको देखो, स्क्रैम्बल्स और ब्रैम्बल्स, सेम राइमिंग आ रही है। गेजेस और डेजीज, सेम राइमिंग आ रही है। और लास्ट वाले स्टैंजा में भी अगर देखो तो वहां भी सेम है। रोड और लोड, रोड और लोड और रिवर और फॉरएवर, देख रहे हो यहां भी सेम है, ये भी राइमिंग सेम है, क्योंकि इनकी हर एक में, यस 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 एब्सोल्युटली, ए ए और बी बी वाली एक स्कीम यूज हुई है इसमें। इस स्कीम की यूज होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? वी कॉल दिस स्ट्रक्चर्ड पोएम। अच्छा, अजान हो रही है, एक मिनट का गैप ले रहे हैं, अजान कॉल हो जाए उसके बाद फिर कंटिन्यू।
ओके जनाब वेट फॉर अ व्हाइल। अच्छा एक चीज देखिए, ये मीटिंग जैसे ही एंड होगी ना तो फिर आपने क्या करना होगा, यू हैव टू स्टार्ट विद द सेम आईडी और पासवर्ड अगेन। ठीक है, आप दोबारा से इसी सेम आईडी और पासवर्ड से स्टार्ट कर दें। तो आई वॉज टेलिंग यू कि इसमें सब में जो आपके पास राइमिंग स्कीम आ रही थी वो क्या आ रही थी, ए ए और बी बी। व्हेनेवर यू हैव द सेम राइमिंग स्कीम इन ईच एंड एवरी स्टैंजा तो आप उसको क्या नाम देते हो, इस तरह की पोएट्री कहलाती है स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड पोएम कहलाती है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड पोएम कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें राइमिंग स्कीम क्या है, सेम है, और राइमिंग स्कीम के सेम होने की वजह से इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड। ये स्ट्रक्चर्ड पोएट्री कहलाती है। क्लियर हो गया? अब चलें हम इस पोएट्री को समझते हैं और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें पहला स्टैंजा तो हमने पढ़ लिया था, दूसरा स्टैंजा देखिए। ऑल ऑफ द साइट्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन, ऑल ऑफ द साइट्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन। जब कभी भी आप ट्रैवल कर रहे होते हो इसके साथ ट्रेन के, रेलवे ट्रेन रेलवे में ट्रेवल कर रहे होते हो तो मुख्तलिफ मनाजिर आते हैं, साइट्स मंजर है ना, मुख्तलिफ मनाजिर आपकी आंखों के सामने आते हैं, मुख्तलिफ मनाजिर आप जो है वो क्या कर रहे होते हो, देख रहे होते हो। इसमें मंजर के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, साइट, ऑल ऑफ द साइट्स है ना, ऑफ द हिल एंड द प्लेन। अब आपको रास्ते में जो है वो पहाड़ भी नजर आ रहे होते हैं, पहाड़ियां भी नजर आ रही होती हैं छोटी बड़ी, और तो और खुले मैदान भी नजर आ रहे होते हैं, है ना। ऑल ऑफ द साइट्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, है ना, और बहुत तेजी के साथ रेन अपने मंजिल की तरफ रवा दवा होती है, बिल्कुल वैसे ही। फिर अगेन इसमें कंपेरिजन आ गया, अगेन इसमें एक कंपैरिजन आ गया। अब जो स्ट्रक्चर आया वो क्या है, एज आया, जैसे वहां ऊपर लाइक अ ट्रूप इन अ बैटल था, यहाँ क्या आ गया, एज ड्राइविंग रेन, बिल्कुल वैसी ही तेजी के साथ जैसे बारिश के खतरे, ड्राइविंग रेन जैसे बारिश के खतरे जमीन पर बहुत तेजी के साथ आ रहे होते हैं। इन द सेम सेंस फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, उसी तेजी के साथ ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ उड़ती हुई जा रही होती है, यानी बहुत तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ ट्रेवल कर रही है। और फिर क्या होता है, एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, और जो आप मंजर देखते हैं वो दोबारा आपकी आंखों के सामने नहीं आता। एवर अगेन विंक, विंक कहते हैं पलक झपकाने को, विंक आंख बंद करके खोलते हैं ना तो वो क्या कहलाता है, विंक कहलाता है, विंक, विंक ऑफ एन आई, विंक ऑफ एन आई, इन द विंक ऑफ एन आई। तो क्या होता है, जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं तो बहुत तेजी के साथ ट्रेवल कर, ट्रेन ट्रेवल कर रही हो तो एक मंजर आपकी आंखों के सामने आता है और फिर दूसरा आ जाता है बहुत तेजी के साथ, वो मंजर आपकी आंखों के सामने से क्या हो जाता है, चला जाता है। तो यहाँ विंक ऑफ एन आई का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशंस विजिबल बाय। आप जब ट्रेन में ट्रेवल करते हैं ना तो ट्रेन जब कभी भी किसी स्टेशन के करीब पहुंचती है, तो जब वो स्टेशन के करीब पहुंचती है
वो क्या करती है, वो विजल देती है, सीटी बजाती है, विजल बाय, विजल, विजल कहते हैं किसको, विसल बजाना, विसल, सीटी बजाती है, विसल देती है, विसल, विसल बाय, पेंटेड स्टेशन, रास्ते में बहुत खूबसूरत खूबसूरत से रेलवे स्टेशन पड़ते हैं जिनको बहुत अच्छे से पेंट किया हुआ होता है, बहुत खूबसूरत कलर से पेंट किया हुआ होता है, पेंटेड स्टेशन विसल बाय, है ना। तो उस रास्ते में पड़ने वाले तमाम चीजें बताई जा रही होती है। अभी जो आपको वीडियो क्लिप दिखाया उसमें बाकायदा मैंने आपको यहाँ पेंटेड स्टेशन और ये तमाम चीजें वहां भी दिखाई। अच्छा, आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन फॉर अ वाइल। जी जनाब, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना हो, यस प्लीज। क्या क्या चीजें नजर आई हैं रास्ते में, ट्रेन के रास्ते में क्या क्या चीजें नजर आई हैं, जरा जल्दी से बताइए। ब्रिज, रिवर्स, परियां और चुड़ैले। परियां और चुड़ैले, चुड़ैल ने क्या लिया हुआ था, किस पे ट्रैवल कर रही थी? हाँ, वो उसकी झाड़ू होती है, कोई झाड़ू लगाई, ब्रूम, हैरी पॉटर की छड़ी चुरा ली उसने, ब्रूम कहलाती है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रूम, हैरी पॉटर में जो थी ब्रूम। सर, मादरी जबान में बोलना अच्छी बात होती है। लेकिन बेटा आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो यू मस्ट बी, है ना, यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज हियर, तो ज्यादा बेहतर होगा। और अच्छा जनाब, तो आप लोगों का भी यही एक्सपीरियंस रहा है, कभी ट्रेन में ट्रेवल किया हो तो आपको अच्छा लगता है खिड़की के पास बैठना, विंडो सीट लेना, या कहीं भी बैठ जाते हैं? सर हमने किया ही नहीं यार, करें ना आपने, ने बस का किया, बस का करें आप लोग, बस का सफर किया सर हमने, बस का सफर किया। वैसे ज्यादा कंफर्टेबल जो सफर होता है वो ट्रेन का होता है, क्योंकि ट्रेन में ना ऊपर बर्थ वगैरह होती है, इफ यू फील का लेकर आ रहे हो सर, पानी भी नहीं होता, मुल्तानी ले लो ना, क्या नहीं होता, यस प्लीज। हाँ अच्छा जनाब, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे चलें, क्लियर है सारी चीजें, कमेंट करके बताया करें यार, फिर हम आगे मूव करें। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, व्हाटएवर वी हैव अंडरस्टूड, हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम एट दैट पॉइंट? We have studied three different stanzas. No problem at all. अच्छा, मैं आपको फिर बता दूं, it's last minute. ये last minute शुरू होने वाला है. तो जैसे ये meeting disconnect होती है, तो you have to reconnect with the same ID or password. तो अपने आपको आप same ID और password से reconnect कर लीजिएगा. Or we'll be having class. So I'm going to share my screen. और shall I wait? चलें, मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, आप इस दौरान अगर कोई चीज शेयर करना चाहे तो जो है वो आप यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब लास्ट मिनट चल रहा है, जैसे ये मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी तो फिर हमें दोबारा से स्टार्ट करना होगा। तो आई वॉन्ट यू टू, मैं इसकी आपसे वीडियो, इस वीडियो का लिंक शेयर करूँ आपसे, यू वांट टू वॉच इट? Do you want to watch it? देखना चाहेंगे इसे? No? Okay, fine.